दोस्तों 22 साल बाद में इंडिया की पहली एसयूवी एक बार फिर से वापस आ चुकी है। मैं बात कर रहा हूं टाटा सियारा की। टाटा सियारा के ऑटो एक्सपो 2023 में शो होते ही ना मार्केट में खलबली मच चुकी है। इतनी शानदार गाड़ी यहां पर टाटा निकाल के लाया है कि जैसे इस गाड़ी को टाटा ने रिवील किया, पूरी मार्केट की अटेंशन टाटा सियारा की तरफ चली गई। सब लोगों ने सोचा था टाटा सियारा वही रहने वाली है जिसको 2020 में ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारे चेंजेस टाटा ने अपनी इस गाड़ी में कर दिए हैं। इवन ये भी खबर मिल रही है कि ये गाड़ी बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च भी होने वाली है। इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कब लॉन्च होने वाली है, क्या इसका एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। हैप्पीनेस इज इन साइलेंस व्हेन यू थिंक व्हाट शी माइट बी थिंकिंग एंड यू आर राइट। 1991 में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, तब इंडिया में ये एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गाड़ी थी, लेकिन फिर इसको 2003 में जाकर बंद कर दिया गया था। लेकिन अब लगभग 20 साल बाद में इस गाड़ी को वापस से इंडिया में लॉन्च किया गया है। हालांकि 2020 में ऑटो एक्सपो में इस गाड़ी को उतारा गया था, लेकिन तब से अब में इस गाड़ी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के लॉन्च डेट की। तो अब फाइनली ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है, और टाटा की तरफ से माना जाए तो 2025 तक हो सकता है इस गाड़ी को आप सड़कों पे देख पाओ। इस कार का साइज लगभग 4.4 मीटर रहने वाला है, और ये महिंद्रा XUV 700 स्कॉर्पियो एन और हुंडई अल्काज़ार को भी टक्कर दे सकती है। टाटा सियारा की लुक्स और डिजाइन बहुत ही ज्यादा बदल दी गई है, एकदम फ्यूचरिस्टिक टाटा सियारा को बना दिया गया है। फ्रंट में LED DRL स्ट्रिप्स आप लोगों को मिल जाएगी, दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है, और साथ में टाटा का चमकता हुआ लोगो। दोस्तों इस गाड़ी को EV प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया गया है। बहुत सारे नए नए फीचर्स टाटा सियारा में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले लुक्स को देखोगे तो एकदम से ब्रांड न्यू लुक आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले जहां टाटा सियारा में स्लाइडिंग डोर हुआ करता था, इस बार आप लोगों को टाटा सियारा में फ्लश डोर का ऑप्शन मिल जाता है। 2020 के कंपैरिजन में देखें तो इस बार टाटा सियारा का साइज भी यहां पर बड़ा है। और खास करके बात करें रियर एंड की, तो बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को टाटा सियारा में देखने को मिल जाएंगे। पहले ये थोड़ा बॉक्सी लुक में आया करती थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा कर्व डिजाइन आप लोगों को टाटा सियारा में देखने को मिलेगा। इवन मैं तो कहूंगा कि टाटा की जितनी भी ऐसी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी इस बार ऑटो एक्सपो में हमने जाके देखी है पर्सनली, ज्यादातर कर्व डिजाइन आप लोगों को मिलने लग रहा है, जो कि दिखने में भी वास्तव में काफी बढ़िया लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं टाटा सियारा के इलेक्ट्रिक इंटीरियर डिजाइन के बारे में। भाई इसमें आप लोगों को ना ड्यूअल टोन इंटीरियर मिलेगा, काफी मिनिमलिस्टिक चीजें मिलेगी, बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, लेकिन दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। लेयर डैशबोर्ड दिया गया है, एयरलाइन सीट्स दी गई है, जैसे एयरलाइन में सीट्स होती है ना, उस तरीके की सीट्स आप लोगों को इसमें मिलेगी। इसमें फ्लोटिंग टच स्क्रीन, एम्बिएंट लाइटनिंग, टाटा का शानदार म्यूजिक सिस्टम, और इसके अलावा पैनोरमिक सनरूफ भी देखने को मिल सकती है। और इसमें जो आप लोगों को एड ऑन फीचर्स मिलेंगे वो लगभग सेम होने वाले हैं जैसे कि आप लोगों को टाटा हैरियर में ऑलरेडी मिलते हैं। टाटा अपनी हर एक गाड़ी में प्रीमियम साउंड सिस्टम देता है, और उसी के साथ में कनेक्टेड कार फीचर भी आप लोगों को इसमें मिल सकता है। और माना जाए तो टाटा सियारा में ADS फीचर भी आप लोगों को आगे को चल के मिल सकता है। हालांकि जब ये कार एक्चुअल में लॉन्च होगी तब हो सकता है बहुत सारी चीजें टाटा चेंज कर दे, इसके लुक्स में थोड़ा बहुत चेंज आप लोगों को दिखने को मिल जाए, लेकिन एक बात पक्की है कि आने वाले 2 सालों में ये गाड़ी इंडियन सड़कों पर आप लोगों को दौड़ती हुई दिखेगी। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के EV प्लेटफॉर्म की। तो भाई टाटा सियारा में ना आप लोगों को काफी पावरफुल मोटर मिलता है और बढ़िया बेहतरीन बैटरी मिलती है। इसमें आप लोगों को 150 BHP की पावर मिलेगी और 250 न्यूटन मीटर का शानदार टॉर्क भी मिलेगा। यही नहीं दोस्तों, एक बार की चार्जिंग पे ये गाड़ी 400 किलोमीटर तक चल पाएगी, और इस गाड़ी को आप 5 घंटे में फुली चार्ज कर सकते हैं। 1991 और 1997 में जब टाटा सियारा पहली बार आई थी ना, तब इसका प्राइस 5 लाख या 7 लाख रुपए हुआ करता था। अभी के हिसाब से देखा जाए तो टाटा सियारा का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो एटलीस्ट होना चाहिए 25 लाख रुपीज, क्योंकि नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी मिलेगी आप लोगों को, और ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होने वाली है। एंड यहां पर एक बात भी पक्की है कि जब ये गाड़ी इंडियन सड़कों पे उतर जाएगी तो अच्छी से अच्छी गाड़ी को ये टक्कर देगी। 2023 में ऑटो एक्सपो में रिवील की गई टाटा सियारा इंडियन मार्केट में 2025 तक देखी जा सकती है। आपको क्या लगता है कैसी रहने वाली है ये गाड़ी, और क्या इसकी परफॉर्मेंस रहने वाली है, क्या आप लोगों को ये गाड़ी पसंद आई, ये सभी चीजें हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपनी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रशांत चौधरी।